मुझे तो सब कोई जानते हैं, सिटी वर्ल्ड को चला रही हूँ, सभी लोग मुझे जानते हैं। बच्चा उस दिन लंच बॉक्स नहीं लेकर आया, मदर उसकी लंच बॉक्स लेकर आई। उसने मेड के हाथ में वो लंच बॉक्स को पकड़ाया और कहा कि तुम जाकर जो क्लास में सबसे सुंदर बच्चा होगा उसको ये लंच बॉक्स दे देना। एक्साइट हो गई, गई क्लास में, लंच वंच सब हो गया। बच्चा मना रहे हैं, किसके रिश्वेल से मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम, क्यों हो रहा है? ये मैं डायरेक्टर हूँ कृष्णा नेशनल पब्लिक स्कूल की, और ईयर में एक दिन आज कल, जैसे आप लोग को पता है सेकेंड वीक ऑफ मई हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आज सैटरडे है, कल वीकेंड है, तो आज वीकेंड के में ही हम लोग पेरेंट्स को बुलाए हैं। ये लोग अपना साथ में डेली जो काम करते हैं उससे थोड़ा हट करके यहाँ इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारा पेरेंट के लिए प्रोग्राम है, बेवरेज है, और हमारे स्कूल का भी, स्कूल की टीचर्स जो है वो कुछ प्रोग्राम कर रही है पेरेंट्स के सामने में, मदर्स के सामने, जैसे राइम्स सिखाना, आपको बताया हमने जो हम लोग क्लास में जो एक्टिविटी करते हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लास दैट वी आर डूइंग हियर, कि जैसे पेरेंट्स भी सीख कर अपने बच्चे को फिर से करना। आज मदर्स डे क्यों मनाया जाता है मैम? आप एक टीचर है तो आपको ज़्यादा बातें पता होगा, आपके स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते होंगे, तो आप उन्हें कैसे सिखाते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ कृष्णा नेशनल पब्लिक स्कूल की। ये सेकेंड मई की सेकेंड संडे जो होती है, मदर्स डे मनाया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया, ये ग्लोबल इवेंट है, सारे देश में मनाया जाता है, क्योंकि कल संडे है, मदर्स टाइम नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हम लोग सैटरडे वन डे बिफोर उसका सेलिब्रेशन करते हैं, इसलिए कि दे मस्ट फील स्पेशल, उनको स्पेशल फील कराने के लिए कि 2 आवर्स का प्रोग्राम है, आप लोग आइए, टाइम दीजिए और कुछ यहाँ पे एंजॉयमेंट, डेली एक्टिविटीज़ से कुछ टाइम निकाल के एंजॉयमेंट के लिए, इसलिए मदर्स डे में हम लोग सारे टीचर्स लोग मिल के प्रोग्राम मनाते हैं, टीचर्स भी एंजॉय करते हैं और पेरेंट्स भी। मदर्स डे मनाया क्यों जाता है साल में एक ही बार? टू फील स्पेशल कि मदर्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मदर इज़ द मोस्ट एडरेबल पर्सन, मोस्ट लवेबल पर्सन, वी मस्ट शो आवर ग्रेटिट्यूड टू हर, इसलिए हम लोग उसको फील कराने के लिए हम लोग अपने मम्मी को भी याद करते हैं और सारे लोगों को बोलते हैं कि यू मस्ट सेलिब्रेट मदर्स डे वंस इन ए ईयर, नॉट ओनली वंस इन ए ईयर बट एवरी डे। आज क्या क्या करते हैं आप लोग? आज क्या क्या करते हैं? आज बहुत सारा प्रोग्राम है जो टीचर्स लोग ऑर्गेनाइज किए हैं मदर्स को सिखाने के लिए, हाउ दे टीच द राइम्स टू द जूनियर स्टूडेंट्स, और मदर्स लोगों के लिए बहुत सारा म्यूजिकल चेयर है, बहुत सारा गेम्स है, ये सब में जो हाँ गिफ्ट भी दिया जाता है, रिफ्रेशमेंट, डेली एक्टिविटीज में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट। अच्छा तो वो लोग मान कैसे गए, एग्री कैसे हो गए कि नहीं आज हम जाएंगे प्रोग्राम में? बहुत सारे लोग तो मना नहीं मानेंगे, दिस इज फॉर देम ना, इसलिए मानना तो चाहिए। सारे पेरेंट्स आए हैं? अब बुलाया तो बहुत पेरेंट्स को गया। कितने बच्चे हैं अभी? अभी तो है, स्ट्रेंथ अच्छा है स्कूल का, मोर देन 500। अच्छा 500, लेकिन यहाँ पे कम मम्मी नज़र आ रही है ना? सबको नहीं बुलाया गया, सीनियर सेक्शन को नहीं बुलाया, अप टू क्लास 5 बुलाया गया, जो छोटे छोटे बच्चे उनके मम्मी। हाँ अप टू क्लास 5, ये हर बार करते हैं आप? हाँ हर बार। तो फिर मदर्स डे हो गया, वुमेंस डे हो गया, तो ये सभी आप मनाते होंगे? बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है, बट ये मदर्स डे में स्पेशली ओनली मदर्स को बुलाते हैं, फिर एनुअल डे फंक्शन होता है, और बहुत सारा अर्थ डे सेलिब्रेशन हुआ स्कूल में, उसमें पेरेंट्स को नहीं, फिर एनुअल डे जब होगा इनके बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तब सबको बुलाया जाएगा, फादर्स ऑल्सो, बच्चे भी। चलिए आप कैसे फील कर रहे हैं आज मैडम की वजह से? मैम की वजह से मैं आज बहुत ही मतलब एक गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैम ने वो मौका दिया हमें कि अपने आप को स्पेशल फील करवाने का। मैं एक बेटी के तौर पे आज स्पेशल फील कर रही हूँ, और एक माँ के तौर पे ऑल्सो, क्योंकि मैं किसी की बेटी हूँ और आज मेरी एक बेटी है, इसलिए मेरे लिए ये स्पेशल डे है, बहुत ही स्पेशल। बिल्कुल, मेरी माँ के वजह से मैं आज एक बेटी की माँ हूँ, बिल्कुल है ना, और उस माँ के ही वजह से आज मैं इस स्कूल में हूँ, और किसी बच्चे की माँ के वजह से, और मेरी माँ जैसी मधु मैम के वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर पल सीखते हैं, इसलिए आज हमारे ये बहुत ही स्पेशल डे, हमारे पेरेंट्स आते हैं यहाँ, इससे हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन माँ क्या करती है, एक इंसान बनाती है,
तो माँ एक ऐसी शख्सियत है जो कभी नहीं चाहती है कि उसके बच्चों को दुख मिले या तकलीफ मिले। आप सभी माँ हैं, आप सभी की माँ भी हैं, तो वो यही चाहती हैं कि अगर बच्चे के भाग्य में या बच्चे को अगर कष्ट हो दुख हो तो वो भी हमें मिल जाए। माँ कुछ नहीं चाहती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी माँ की रिस्पेक्ट करें, माँ का सम्मान करें, क्योंकि माँ एक अनमोल है। माँ पे मैं सिर्फ दो लाइन कहना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी कि मुझे मेरी माँ को गिनती नहीं आती है यारो, मेरी माँ को गिनती नहीं आती है यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो लाती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार हुआ, जन्नत के हर लम्हे का दीदार हुआ जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया।